कुनेहार राज दरबार में रामलीला जनकल्याण समिति के सौजन्य से चल रही रामलीला में आठवें दिन हनुमान जी व शनि देव जी की आकर्षक झांकी के साथ रामलीला का मंचन आरंभ किया गया। आठवें दिन कुनिहार क्षेत्र के मुख्य व्यवसाय मित्तल परिवार से सूर्यांश ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की व मित्तल परिवार की ओर से 5,100 रु समिति को दिए। समिति की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। आठवें दिन अशोक वाटिका को उजाड़ने व लंका दहन की लीला का भव्य मंचन किया गया। मंगलवार को हनुमान का समुद्र पार करके लंका प्रहरी लंकनी को मारकर लंका में प्रवेश कर माता सीता को प्रभु राम द्वारा भेजी गई मुद्रिका को देना, वाटिका को उजाड़ कर फल खाना, रावण दरबार में मेघनाथ द्वारा बंदी बनाकर हनुमान को ले जाना व रावण द्वारा सभी की सहमति से हनुमान की पुंछ में आग लगाने व लंका दहन की लीला को सैकड़ों दर्शकों ने सराहा। राधा रमन शर्मा के निर्देशन में रामलीला में चार चांद लग रहे। राधा रमन शर्मा, संदीप जोशी व संजय जोशी के बेहतरीन निर्देशन से इस बार रामलीला में चार चांद लग रहे हैं, जिसको सैकड़ों दर्शक बार बार सराह रहे हैं। वहीं कलाकारों में राम गौरव शर्मा, लक्ष्मण कर्ण खुराना, सीता मिश्री, हनुमान अच्युतम शर्मा, गोलू गौतम प्रथम, अन्नू, वहीं कलाकारों को सुंदर व सुसज्जित बनाने में सबसे ज्यादा अक्षरेश शर्मा का रोल रहता है। इस दौरान समिति के प्रधान रितेश जोशी, देवेंद्र, अक्षरेश, राधारमण, संदीप, संजय, आशीष, दिनेश, मुकेश, अरविंद, अमन अत्री, प्रदीप, राहुल, रोहित सहित समिति के युवा जोकी रामलीला के सफल आयोजन में अपना अपना उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। नेशन न्यूज के लिए कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। शामत तेरी आई है, हनुमान को नहीं जानती, बिगड़ी रोड बढ़ाई है, क्या खड़ी तू देख रही है, क्या मरना ही क्या दी है, इस तरह का दान हमारी तू क्यों इतनी करवाई है। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।